तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के 5 नए अपकमिंग फीचर के बारे में जो कि अभी आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट हो जाएंगे। इसमें से कुछ नहीं है, बोल सकेंगे एक फीचर है जो कि पहले से रोल आउट हो चुका है या बोल सकते हैं कुछ बीटा यूजर को मिल चुका है। तो ये 5 नए अपकमिंग फीचर क्या है, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, साथ में लाइक मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर बताने वाला हूँ वो है व्हाट्सअप पोल का। अब क्या होने वाला है दोस्तों, आने वाले टाइम पे एक ऑप्शन आने वाला है या फिर बोल सकते हैं एक फीचर एड ऑन किए जाने वाला है। अब आप ग्रुप में व्हाट्सअप पोल कर सकते हैं। पोल मतलब कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे, नीचे आप वहाँ पर कुछ भी आंसर लिखेंगे या कुछ सजेशन लिखेंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी तो आप वैसे पोल क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, या आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते थे। अब ये व्हाट्सअप पे रोल आउट होने वाला है। ये आपको मिलेगा व्हाट्सअप के जो अटैचमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर आपको नीचे पोल का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा के दिखा भी रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा ये ऑप्शन मिलने वाला है पोल का। यहाँ पर आप मिनिमम 12 आंसर को टिक कर सकते हैं, मतलब 12 आप वहाँ पर नीचे सजेशन दे सकते हैं कि इनमें से आपको क्या लगता है। तो ये जो है बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है। आप देख रहे होंगे ये अटैचमेंट वाले ऑप्शन में सबसे नीचे आपको पोल का ऑप्शन मिलने वाला है। तो सबसे पहला फीचर ये था। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड फीचर क्या दिया गया है वो है बैकअप को लेके। अब यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है अभी कुछ लेटेस्ट वर्जन से जो अगर आप बैकअप लेते हैं तो बैकअप एंड्रॉइड के अंदर चले जाता है, और अगर आप व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर देते हैं या क्लियर डेटा कर देते हैं तो आपका बैकअप भी वहाँ पर डिलीट हो जाता है। आप उसको ईजिली रिकवर नहीं कर सकते उसको, मतलब आपको कहीं दूसरे मोबाइल में उसको एक्सपोर्ट करना है या बोल सकते हैं दूसरे मोबाइल में आपको इम्पोर्ट करना है उस बैकअप को, तो आपको बहुत प्रॉब्लम से उसको एक्सपोर्ट करते थे। बट अब उसको आने वाले टाइम पे उसको अपडेट करने वाले हैं कि आप अपने हिसाब से उसको बैकअप कर सकते हैं, उसके बाद इजीली आप उसको इंपोर्ट करके कोई सी भी डिवाइस में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे अब आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है इंपोर्ट अ बैकअप का। आपको एक ऑप्शन आएगा जहां पर लिखा हुआ इफ यू एक्सपोर्टेड अ बैकअप फ्रॉम योर प्रीवियस डिवाइस यू कैन इंपोर्टेड इट नाउ। सिंपली यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना होगा और आपको उस लोकेशन पर जाना है जहां पर आपने बैकअप रख रखा है, तो आप इजीली वहां पर अपने जो भी आपका डेटा है उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सेकंड फीचर भी बहुत ही कमाल का है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड फीचर आने वाला है वो भी बहुत कमाल का है। अब आप क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं तो आप उस मैसेज को भेजने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। ये फीचर भी रोल आउट होने वाला है आने वाले टाइम पे, जल्दी रोल आउट का हो जाएगा। कब रोल आउट होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट जल्दी आने वाला है। बट क्या होगा अगर आपने कोई, आप जैसे वीटा यूजर है, आपने अगर एडिट कर लिया है और अगर आपने मान लो मुझे कोई मैसेज भेजा और आपने उसको एडिट कर दिया है, मेरे को जब वो दिखेगा जब मेरे पास भी लेटेस्ट व्हाट्सअप होगा, अगर मेरे पास पुराना व्हाट्सअप होगा तो वो नहीं दिखने वाला। तो उसके लिए दोनों यूज़र को लेटेस्ट व्हाट्सअप पे होना ज़रूरी है, तो ही आप वाला फीचर को काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको एक ऐसा एरर देगा। आप देख रहे होंगे मैं लगा के दिखा भी रहा हूँ, यू सेंड एन एडिटेड मैसेज यू कैन सी इट यू विल ऑन लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सअप। लाइक जैसे जिसने भी ये व्हाट्सअप पे भेजा था लेटेस्ट वर्जन से रिमूव कर दिया और प्रीवियस वर्जन पे आ गया तो उसको ये मैसेज दिख गया, मतलब कि अगर आप जिसको भेजेंगे उसके पास लेटेस्ट व्हाट्सएप वर्जन होना चाहिए। उसके दोस्तों जो फोर्थ फीचर बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का, इसके लिए तो बहुत लोग वेट कर रहे थे और ये कुछ बीटा यूजर को रोल आउट भी हो चुका है। उसका नाम है हाइड ऑनलाइन फीचर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो सिंपल बताने वाला हूँ, ये फीचर फिलहाल कुछ बीटा यूजर को फिलहाल रोल आउट हो चुका है और आने वाले टाइम पे सभी पहले बीटा को दिया जाएगा, उसके बाद सभी नॉर्मल यूजर को मिल जाएगा। तो इस फीचर को आप देखेंगे, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप पे लास्ट सीन एन ऑनलाइन का, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं लगा के दिखा भी रहा हूँ, आप अपना ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ मेरा क्या दिखेगा, सेम एज लार्सन, जैसा कि मैंने वहां पर टिक कर दिया है। ये आने वाले टाइम पर सबको फीचर मिलने वाला है। प्राइवेसी में जाके सिक्योरिटी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप वहां जाके इसको इनेबल कर सकते हैं, और वहां प्राइवेसी में जाके आपको इसको इनेबल कर लेना है। लास्ट सीन एन ऑनलाइन को वहां मिल जाएगा, और जैसे इनेबल कर देंगे तो किसी को भी, जब जैसे कि मान लो मैं अभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँ और अगर कोई दिखेगा तो मेरा ऑनलाइन स्टेटस वहां नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने वहां पर हाइड कर दिया कि मैं ऑनलाइन ना दिखूँ। तो ये फीचर बहुत ही जल्द सबको मिलने वाला है और मुझे मिल चुका है। और अच्छे से इस फीचर को जानने के लिए आप मेरे चैनल को, मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जिसका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। तो उसके बाद दोस्तों लास्ट जो बटन बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं लास्ट जो फीचर बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही कमाल का है। उसका नाम है कॉल काउंटडाउन। ये क्या फीचर है दोस्तों, होता क्या है, हम कोई व्हाट्सअप यूज़ करते हैं
तो होता क्या है, हमें गलती से कहीं भी किसी के कॉल लग जाता है व्हाट्सएप पे, होता ही यार किसी के साथ होता है, कहीं किसी को व्हाट्सएप पे कॉल लग गया या नॉर्मल कॉल लग गया या फिर मैसेज कॉल लग गया या वीडियो कॉल लग गया, हो ही जाता है अनफॉर्चुनेटली। अब क्या होने वाला है, आने वाले टाइम पे वहां पर एक काउंट डाउन चालू हो जाएगा कि 3 सेकंड तक का काउंट डाउन चलेगा, आप वहां पर कॉल को रोक सकते हैं ताकि सामने वाले को पता भी नहीं चले कि गलती से आपसे कॉल लग गया। नहीं तो होता क्या, जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं और कार्ड भी देते हैं तो भी उसके बाद मिस कॉल का मैसेज पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर ये वाला फीचर बहुत जल्द रोल आउट होने वाला है, जो कि मुझे बहुत सही लगा। ये सबके साथ होता होगा, देखेंगे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। आप देख रहे होंगे मैं व्हाट्सएप पर लगा के दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, वहां पर लिखा होगा कॉल स्टार्ट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड का काउंट डाउन चलेगा। तीन अगर आपको एग्जैक्ट में कॉल लगाना होगा तो 3 सेकंड बाद कॉल चालू हो जाएगा, नहीं तो आप उसको डायरेक्टली पहले काट सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कॉल लगाया था। तो ये फीचर भी बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है दोस्तों। ये मैंने आपको 5 अपकमिंग फीचर बताया व्हाट्सएप के, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो तो मुझे टॉपिक ज़रूर सजेशन दें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, साथ में इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलना। तो थैंक यू दोस्तों।